तो हेलो फ्रेंड, कुछ टेस्टी और किचन में आपका स्वागत है। आज हम रेसिपी में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चाउमीन। तो फ्रेंड, हमने चाउमीन में डालने के लिए मीडियम साइज का शिमला मिर्च लिया है, इसको बारीक लंबे आकार में हमने काट लिया है, और प्याज भी हमने लंबे लंबे साइज में काट लिया है एकदम अच्छे से। और ये प्याज, हरी प्याज का ऊपर हिस्सा है उसको हमने बारीक काट लिया है, और पत्ता गोभी भी है लंबे लंबे साइज में काट लेना हमको है, और गाजर है इसको भी पतला पतला अच्छे से काट लेना है। और हमने नूडल्स लिया है 200 ग्राम है हमारे पास, और ये मिर्ची 2 कटी है हमारे पास, और लहसुन 2 कली है, और अदरक बारीक कटा है, और देसी टमाटर हमारे पास है मीडियम साइज का है उसको भी काट लिया हमने। और हमारे पास है 2 चम्मच चाउमीन मसाला लिया हमने, तो चलिए गैस पे हमने एक बर्तन रखा है, इसमें हमने 1 लीटर पानी ऐड किया है, और पानी हमारा जब तक गर्म होता है इसको इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। तो देखिए हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच करीब ऑयल ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे, इसको हम बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं, इसी साइज में ऐड करेंगे, इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है, अब हमारा ये नूडल्स पक चुका है। अब इसको हम ज़्यादा पकाएंगे तो हमारा चाउमीन अच्छा नहीं बनेगा, तो अब इसको हम गैस बंद करके फिर इसको ठंडे पानी से हम धो लेते हैं। अब इसको हम ठंडे पानी से अच्छे से धो लेते हैं, अब जितना चाहो इसको धो सकते हैं, क्योंकि धो लेंगे तो और हमारा अच्छा रहेगा ये। देखिए हम इस नूडल्स को हमने अच्छे से फैला दिया है, और इसमें हम थोड़ी ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के इसको रखेंगे, इससे क्या ऑयल लगाने से हमारा जो नूडल्स होता है चिपकता नहीं है। तो देखिए इसमें हमने ऑयल लगा दिया है अच्छे से, अब इसको हम 5 मिनट के रख देते हैं। तो देखिए हमने गैस पे एक बर्तन रखा है, और बर्तन को थोड़ी हम हीट होने देंगे। तो चाउमीन बनाने के लिए हमें कभी भी हल्का बर्तन में यूज करना, जैसे स्टील का हो या नॉन स्टील का हो, तो यही सही पड़ता है, क्योंकि मोटे बर्तन बनाएंगे तो हमारा चिपकता बहुत है। तो इसमें हम थोड़ी गर्म हो जाएगा तभी तेल ऐड करेंगे। तो देखिए तेल हमने ऐड करना है, इस तरीके से ऐड करना है कि तेल हमारा कढ़ाई में पूरी साइड में अच्छे से लग जाए। तो देखिए हमारा तेल हल्का गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे, इसके बाद इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ही हल्का करना है ब्राउन। इसके बाद इसमें अदरक ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ, इसको भी हल्का सा ब्राउन करना है। तो देखिए हमारा अदरक लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम मिर्ची ऐड करेंगे हरी वाली, इसको भी बहुत ही हल्का करना है ब्राउन। इसके बाद हम प्याज कटी हुई ऐड करेंगे, अब इसको भी ब्राउन करना है हमको हल्का, ज़्यादा कोई भी इसको ज़्यादा हमको नहीं करना है, क्योंकि हल्का ही करना है, हल्का हल्का ब्राउन करना है बिल्कुल।
तो देखिए हमारे प्याज कलर कितना अच्छा दिख रहा है, और जो हमने प्याज को लंबे लंबे साइज में काटा है, तो कोई भी सब्जी जब चाउमीन बनाते हैं हमें लंबे लंबे काटते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें हम अब शिमला मिर्च ऐड करते हैं, इसको भी हम चलाते हैं बिल्कुल हल्का सा। कोई भी सब्जी को हमको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई गाजर ऐड करते हैं, इसको भी हल्का चलाते हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड करेंगे। सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड करते हैं, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। कोई भी सब्जी हमको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसमें जो हरी प्याज कटी हुई थी हमारी पत्ती वाली, उसको भी ऐड करते हैं। अब कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अगर चाउमीन में सब्ज़ी कच्ची होती तभी चाउमीन अच्छा लगता हमारा। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे जो चाउमीन बनाने के लिए हमने मसाला रखा था, इसको ऐड करेंगे और इसको भी 20-25 सेकंड के लिए पकाएंगे। तो चलिए इसमें अब हम सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम रेड चिली सॉस डालेंगे, 2 चम्मच करीब डालेंगे। इसमें हम टमाटर सॉस डालेंगे 2 चम्मच, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि सोया में भी सॉस में भी नमक होता है, और हमने पहले भी नूडल्स में नमक डाला था, इसलिए कम ही डाले हैं। अब इसमें देखिए हमारा मसाला सब्जी पक चुका है हल्का, तो इसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड हम चाउमीन को मिलाएंगे ऐड करने के बाद। तो क्या है, चाउमीन चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है हमें, अगर हम ज़्यादा चला देते हैं तो हमारा चाउमीन टूट सकता है, तो इसलिए हम 2 चलाने वाले के सहारे से चलाएँगे। तो हम इस तरीके से चाउमीन को चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, तो इससे हमारा चाउमीन क्या टूटेगा नहीं, और हमको जितनी चाउमीन पकाएंगे उसको हम सारे चाउमीन को हाई फ्लेम पे पकाएंगे, तभी हमारा चाउमीन अच्छा बनता है। तो देखिए फ्रेंड हमारा चाउमीन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम स्प्रिंग ओनियन ऐड करेंगे, इससे कि हमारा स्वाद अच्छा आता है, लास्ट में थोड़ा डाल देते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड हमारा चाउमीन अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और ऐसा देखिए कितना टेस्टी लुक आया है। तो इसी तरीके से हम चाउमीन बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लुक आ रहा है इसका। तो अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।